हेलो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा जियो फाई के बारे में। दोस्तों, आपने जियो फाई दो तीन तरह के देखे होंगे, लेकिन मैंने सारे जियो फाई यूज कर रखे हैं। जो वन ऑफ द बेस्ट जियो फाई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये है जियो फाई। इस तरह की बॉक्स पैकिंग में आता है, आप बॉक्स देख पा रहे होंगे। रिलायंस की ब्रांडिंग है, ऊपर जियो लिखा हुआ है और इस तरीके से खुल जाता है। अंदर ये पैकेट आता है, इसके अंदर जियो फाई रख के आता है इस तरीके से, जो मैंने पहले से ही अनबॉक्स कर रखा है। और इसके अंदर ये बिल है इसका, जहाँ से मैंने लिया था उसका मैंने बिल ले रखा है। और दोस्तों, इसमें डब्बे को करता हूँ साइड। ये है जियो फाई, साथ में आता है उसका चार्जर और साथ में आती है एक डेटा केबल। ये डेटा केबल है USB to Micro USB डेटा केबल, जो आपको नॉर्मल फ़ोन में मिलती है। आप इसको अपने फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये है चार्जर, ये सिंपल टाइप का चार्जर है। आप इसको अपने किसी छोटे मोटे फ़ोन को यूज चार्ज करने में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर जो लिखा हुआ है, ये 5 वोल्ट का चार्जर है, तो काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी का है। और दोस्तों, ये है जियो फाई। आप इसके अंदर कोई भी जियो का सिम डाल के और एज ए वाईफाई एक स्पॉट यूज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है और लोग इसे लेते क्यों हैं, मैं इसको भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, सपोज आपके एरिया में या आपके घर में इंडोर में क्वालिटी कम आती है, नेटवर्क कम आता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा, सपोज आपने अपने घर में वाईफाई कैमरा लगवाया है, तो आपको अपने कैमरे के लिए अलग से एक वाईफाई का कनेक्शन लेना पड़े, तो उस टाइम पे ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसके आपको पता ही है, जियो के 600 रुपये के प्लान में आप 3 महीने तक यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आप गीगा फाइबर का कनेक्शन लेंगे, केवल और केवल कैमरे के लिए, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। उसके लिए लोग इसको यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग इंडोर की जो घर में क्वालिटी है काफ़ी गंदी होती है, उसके लिए लोग जियो फाई लेते हैं। इसमें क्या है, आप आराम से इसमें आप सिम डाल के इसको ऑन करके अपनी विंडो पर या कहीं भी बाहर अच्छी जगह पे इसको रख सकते हैं। और आपका फ़ोन, अगर आप अपने कमरे के अंदर हैं, वहाँ भी आप आराम से वाईफाई यूज कर पाएंगे। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, यहाँ पर बना हुआ है खोलने के लिए मार्क, यहाँ से मैं इसे खोलता हूँ। इस तरीके से खुल जाएगा ये। इसका पीछे कवर है, कवर अलग हो गया। दोस्तों, अंदर ये बैटरी है। दोस्तों, ये 2300 mAh की बैटरी है, जिसका बैकअप लगभग 6 से 7 घंटे तक रहता है। और दोस्तों, अंदर यहाँ पर जियो का सिम आएगा और यहाँ पर मेमोरी कार्ड आएगा। आप मेमोरी कार्ड को भी डाल के इसमें एज ए मेमोरी कार्ड रीडर इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेड इन चाइना आइटम है। और ये इसकी बैटरी है, मैं इसमें इसकी बैटरी को लगा देता हूँ और मैं इसको इसमें फिट कर देता हूँ। तो ये है। अब सपोज आपको इसको ऑन करना है, तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे थोड़ी देर तक। ये दोस्तों ऑन हो गया है, ये इसका बैटरी का दिखा रहा है, बैटरी फुल। आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, यहाँ बैटरी का साइन है, यहाँ वाईफाई का साइन है, यहाँ पर डाटा कनेक्टिविटी का साइन है। अगर ये ग्रीन होगा, दैट मीन्स आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा है। अगर ये ब्लू होगा, नेटवर्क कम आ रहा है। और अगर ये रेड होगा, तो आपके यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये है जियो फाई। आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा आइटम है और काफ़ी सारे लोग इसको यूज करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।